रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, और बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश से आ रही है। अब प्रदेश में अपराधियों पर लगाम लगेगी, एक क्लिक पर मिलेगी अपराधियों की जानकारी, एआई के जरिए क्रिमिनल ट्रैक करेगी यूपी एसटीएफ। नो योर क्रिमिनल के जरिए त्रिनेत्र ऐप दिखाएगा हिस्ट्री, ऐप पर अपराधियों का पूरा रिकॉर्ड मौजूद होगा, एक क्लिक पर अब अपराधियों की जानकारी मिलेगी। यूपी में नो क्राइम पर लगातार सरकार एक्शन मोड में है, और अब ऐप पर अपराधियों का पूरा रिकॉर्ड होगा, यानी कोई अपराधी है अगर किसी के नाम पर कोई चार्जशीट तैयार है, कोई मामला दर्ज है, तो एक ऐप और उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री ओपन, ऐप पर अपराधियों का पूरा खाका मिल जाएगा, ऐप पर अपराधियों का पूरा रिकॉर्ड मौजूद होगा। अब प्रदेश में अपराधियों पर लगाम लगेगी, ऐप पर अपराधियों का पूरा रिकॉर्ड मौजूद होगा, तो ये बड़ी खबर इस वक्त, ऐप पर अपराधियों का पूरा रिकॉर्ड मौजूद होगा। यूपी में एक और कदम बढ़ाया गया अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए, अपराध पर लगाम लगाने के लिए, अब अपराधियों का पूरा खाका एक ऐप पर अवेलेबल होगा। ऐप पर अपराधियों का पूरा रिकॉर्ड मौजूद होगा, प्रदेश में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए उनका पूरा रिकॉर्ड सबके सामने होगा, कौन कौन सी धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है, किस किस थाने में मामला दर्ज हुआ है, कौन कौन से गुनहगार ने किए हैं, उसकी आपराधिक प्रवृत्ति है या नहीं, उसका आपराधिक ग्राफ क्या कहता है, ये पूरी की पूरी डिटेल्स अब एक ऐप पर अवेलेबल होंगी। प्रदेश में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए अब ऐप पर अपराधियों का पूरा रिकॉर्ड होगा मौजूद, ऐप पर अपराधियों का पूरा रिकॉर्ड मौजूद होगा, ये बड़ी जानकारी इस वक्त, ऐप पर अपराधियों का पूरा रिकॉर्ड भी होगा। देखिए उत्तर प्रदेश में अपराध को कम करने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार कभी बुलडोजर मॉडल पर काम करती है, तो कभी पूरा खाका तैयार कर ऐप के जरिए जनता के समक्ष रखने की तैयारी। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन रहे, अपराध का ग्राफ कम हो, अपराधियों में कानून का खौफ हो, इसी को लेकर प्रदेश में अब अपराधियों को लेकर एक और फैसला लिया गया, जिस फैसले के तहत एक ऐप के जरिए अपराधियों का पूरा रिकॉर्ड अवेलेबल होगा, यानी आप नाम डालेंगे सीधे उसका पूरा का पूरा खाका मिल जाएगा, उस पर कौन सा मामला दर्ज है, किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है, किस थाने में एफआईआर दर्ज है, गिरफ्तार हुआ या नहीं हुआ, भगौड़ा तो नहीं है, कितने रुपए का इनामी है, ये पूरी की पूरी जानकारी देने की कोशिश इस ऐप के जरिए की जाएगी। बड़ी जानकारी यूपी से इस वक्त आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अपराधियों में कानून के प्रति खौफ पैदा करने के लिए, अपराध को कम करने के लिए, अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है। और यूपी एडिटर अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ में इस वक्त है। अवनीश, ये बड़ा अहम कदम है, मतलब आप एक क्लिक कीजिए और पूरा का पूरा खाका खुलकर हाथ में आएगा, इससे सरकार का ये मोटिव है कि अपराधियों में कानून का खौफ हो। देखिए दोनों चीजें, खौफ के साथ ही साथ सभी डेटा जो है वो उपलब्ध हो, ताकि कोई भी काम भी और में काम करने वाले तमाम अधिकारी जो अलग अलग मामलों का अन्वेषण कर रहे हैं वो उनकी पड़ताल आसानी से कर सके। इसके अंदर आंखों का रेटिना, इसके अलावा फिंगरप्रिंट जो है, थंब प्रिंट, तमाम सारे जो इस तरह के साक्ष्य माने जाते हैं, खासतौर पर अलग अलग तरह के आपराधिक मामलों में हम देखते हैं कि पुलिस आजकल वैज्ञानिक तरीके से जो साक्ष्य है उनका संकलन ज्यादा विशिष्टता से कर रही है, तो उन चीजों में बहुत मदद मिलेगी जब अपराधियों का होगा। और ये जिलेवार होगा, मतलब करीब सभी 75 जिलों से इस तरह के आंकड़े जो है वो मांगे जा रहे हैं। इसकी नोडल जो डिपार्टमेंट होगा वो यूपी एसटीएफ होगा, और उसी के माध्यम से इस पूरे ऐप की जो मॉनिटरिंग है वो की जाएगी। जी अच्छा, इसके अलावा और भी कोई खास कदम उठाने की तैयारी में है क्या सरकार? देखिए इसमें, इस कदम में ही बहुत सारी व्यापकता है। दरअसल इस पूरी तकनीकी को इजाद करने या इस जो ऐप है इस पर काम करने के पीछे यूपी एसटीएफ है, यूपी पुलिस का मोटिव यही था कि अपराधियों को लेकर के जो सबसे बड़ी दिक्कत आती थी कि किसी भी बड़ी घटना होने के बाद अपराधियों की पहचान कर पाना, उन तक पहुंचने के लिए एक सीसीटीवी कैमरा जो है बड़ा साक्ष्य के तौर पर सामने आया। मसलन आपने देखा उमेश पाल हत्याकांड में एक एक तस्वीर जो है वो खुल गई और आसानी से हमलावर पहचान लिए गए, तो लेकिन उसके बाद जब उनको अदालतों में जो है सजा दिलानी होती है तब इस तरह के साक्ष्यों की बहुत जरूरत पड़ती है, तो वो सारे साक्ष्य जो है वो कहीं ना कहीं उपलब्ध होंगे। और ग्लोबली हर कोई, मतलब न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि मुंबई में बैठा हुआ कर्नाटक। बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के। देखिए अपनी जिस तरह से जानकारी दे रहे थे कि अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए बकायदा उनका पूरा एक डेटा तैयार होगा।